अब आपको बताएं कि सिबी बोलान और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल है। पिंजरा पुल के मुकाम पर आरसी तौर पर बनाया गया रास्ता सैलाबी रेल की नजर हो चुका है। गुज़श्ता 14 घंटों से बलूचिस्तान से अंदरूनी सिंध और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक हो चुकी है। मुसाफिरों को दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान राजपूत। जी कामरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिब्बी बोलान और गिरदोनवा में मानसून की बारिशों के बायस दरियाए नाड़ी किनाल में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला 44,200 क्यूसिक से गुजर रहा है, जबकि बोलान के पहाड़ों पर शदीद बारिश होने के बायस पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेला आने से बोलान पिंजरा पुल का आर्जी तौर पर बनाया गया रास्ता सैलाबी रेले की नज़र हो चुका है, जिसके बायस गुज़श्ता 14 घंटों से बलूचिस्तान से अंदरून सिंध और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा मुकम्मल बंद हो चुकी है। बोलान के काम पर फंसे मुसाफिरों और बिलखसूस ट्रक ड्राइवर हजरात को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिला इंतजामिया बोलान की जानिब से कोलपुर मच्छ बोलान और सिब्बी के मुकाम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। जी अब आपको बताएं कि जिला बहावलनगर में हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस दरियाए सुतलज में पानी की सतह में फिर से इजाफा होने लगा है। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 57,196 क्यूसिक और इखराज 46,186 क्यूसिक पहुंच गया है।